हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखे है तो आई सजेस्ट आप प्लीज़ वो पहले जरूर देख ले। एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फी और प्रे कहीं जा रहे होते हैं। फी प्रे को पूछता है कि तुम किंग को जानती हो। ये सुनने के बाद प्रे बोलती कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तभी फी बोलता है कि नहीं, मैं बस पूछ रहा था, ऐसा हो सकता है कि तुम किंग को जानती होगी। प्रे बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ। तभी फी बोलता है कि कहाँ पे। प्रे बोलते कि वो तो आंटी का बेटा है ना, ऑब्वियसली मैं उसके घर पे एक बार गई थी। जब मैं वापस आई थी इंग्लैंड से तो मैं मिलने गई थी और वहाँ पर मैं उससे मिली थी। ये सुनने के बाद प्रे को देखते हुए फी बोलता है कि अरे श्योर, एक ही बार। वो बोलता है हाँ एक ही बार। तभी जो प्रे थी उसे देखते हुए भी बोलता है कि वो भी हमारे साथ आ रहा है। प्रे बोलती कि तब तो बहुत मजा आएगा। वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बातें करती है, अपने आप को इतनी ज़्यादा इजीली साइड करती है कि फिर इसके आगे उसे कुछ सवाल जवाब कर नहीं पाता। और वो बोलता है कि अरे मैं मजा कर रहा था, वो नहीं आ रहा। तभी प्रे बोलते कि तुम तो मेरे साथ मजा क्यों कर रहे हो, क्या बात है, मुझ पर कुछ डाउट हुआ है क्या, बोल के वो उसे ऐसे चिढ़ा रही होती है। फिर कुछ भी बहाना करके उस बात को वहीं पर टाल देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है प्रैंक बहुत गुस्से में थी। उसके असिस्टेंट उसे समझा रही थी कि उसे थोड़ा काम होकर सोचना पड़ेगा। प्रैंक बिल्कुल भी उसकी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं थी। वो बोल रही थी कि प्रैंक सबको अपना इनोसेंट दिखा के, अपना भोला सा चेहरा दिखा के फंसा रही है। वो अपना पास्ट का इस्तेमाल करके वो मुझे विलेन बना रही है। सुनने के बाद असिस्टेंट बोलती है कि तो आप भी ना उसके ट्रैप में फंसने का ड्रामा कीजिए। उसे इतना यकीन दिलाइए कि आप उसके हर बात को सुन रही है, उसके प्लान के साथ जाइए और इन में हम जब उसकी कमजोरी आएगी तो वार कर लेंगे। प्रैंक बोलते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं। और वो बोलते हैं कि उसने एक बार तो स्लीपिंग पिल बस इसलिए लिया था क्योंकि उसे मरना था, और बदकिस्मती ये थी कि वो मर नहीं पाई थी। लेकिन अगर वो मेरे साथ फिर से ये सब करना बंद नहीं करेगी ना, तो इस बार वो सच्ची में स्लीपिंग पिल लेगी और मैं मेक श्योर करूँगी कि वो जिंदा भी ना रहे, ऐसा वो बोलती है। और प्रैंक बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो सोच रही थी प्रे को अब किसी न किसी कीमत पे बैक तो करना ही पड़ेगा, वरना उसके लाइफ से उसका देवर भी जा रहा था और उसका बेटा भी उसे दूर हो रहा था। नेक्स्ट सीन में फी किंग को कॉल करता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें इस वीकेंड किसी को मिलाने के लिए ले जाना है। ये सुनने के बाद जो किंग था वो बोलता है कि कोई लड़की है। ये सुनने के बाद फी बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कोई लड़की है। ये सुनने के बाद फी को किंग बोलता है कि ऑब्वियसली आप इतने ज़्यादा लड़के वाले फ्रेंड्स तो है नहीं, और मुझे लगा कोई लड़की होगी क्योंकि किसी लड़के को मिलाने के लिए इतना ज़्यादा आप इंट्रोड्यूस कराने का एक फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो, ऐसा वो बोलते हैं। फी बोलता है कि तुम अपनी मॉम से बात करो पहले, मैं तुम्हें उससे ज़रूर मिलाऊंगा, अरे बहुत ज़रूरी, ऐसा वो बोला था पता नहीं क्यों। लेकिन फी कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा था क्योंकि उसके मन में अब बहुत सारे सवाल थे जिसके आंसर उसे लेना अभी भी रह गया था। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो किंग था वो प्रे को कॉल करता है और उसके बाद वो बोलता है कि आप क्यों नहीं चाहती आप अंकल से मिले या मेरी मॉम से मिले। ये सुनने के बाद प्रे बोलती कि नहीं नहीं, अभी मैं उन लोगों से इतना ज़्यादा फॉर्मल होना नहीं चाहती क्योंकि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। ये सुनने के बाद किंग बोलता है कि पर मुझे आपको मेरे अपनों से मिलाना है, मुझे ये दिखाना है कि आप और मैं कितने क्लोज है, ऐसा वो बोलता है। ये क्लोज वाला और सुनने के बाद प्रे थोड़ा सा शौक में थी और उसके जो मन में एक सुकून था, शायद वो जो मिशन के लिए यहाँ पर आई थी, जो करना चाहती थी वो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो रहा था। बेचारा किंग बुरी तरह से प्रे के ट्रैप पे आ चुका था और प्रे बस ओके बोल देती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है फी के पास जाती है प्रैंक और उसके बाद वो उसे बोलती है कि मैं प्रे को हमारे कंपनी में एक्सेप्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है तुम सही हो, उसने आज तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया भी नहीं है और वो हमारे साथ काम कर सकती है। ये सुनने के बाद फी बोलता है कि अचानक से तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, मतलब तुम्हारा माइंड चेंज कैसे हुआ। ये सुनने के बाद जो प्रैंक थी वो बोलती है कि कुछ नहीं, मुझे लगा मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ और वो इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है, इतनी ज़्यादा वायलेंट भी नहीं है, मुझे लगता है मैं ही पास की चीज़ों को लेकर बैठी हुई हूँ, वो नहीं, तो मुझे लगा मुझे उसको एक चांस देना चाहिए। ये सुनने के बाद फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम सच्ची में चाहती हो उसको एक चांस देना तो अच्छी बात है। और उसके बाद जो प्रैंक थी वो बोलते कि अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए
मेरी तो बता देना है। सुनने के बाद फिर बोलता है कि हाँ एक्चुअली तुम्हारी हेल्प चाहिए। और उसके बाद वो उसे ले जाता है माइके फैशन एग्जीबिशन पे, जहाँ पर वो अभी एक सैम्पल वो कर रही होती है। और वहाँ पर जाने के बाद दिखाया जाता है जो माई थी वो प्रैंक देखने के बाद वहाँ से जाने लगती है। फिर उसे रोकता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और फी को जो माई थी वो बोल रही थी कि इसको यहाँ पर क्यों लेके आए हो। तभी फी बोलता है कि ये तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, तुम कोई ऐसे स्पॉन्सर ढूंढ रही हो ना, तो ये तुम्हारे ब्रांड को स्पॉन्सर करवा देगी, तुम बातचीत को बोल कर आगे नहीं बढ़ सकती। ये सुनने के बाद जो प्रैंक थी वो आती है, बोलती है कि मुझे माई से प्राइवेट में बात करनी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रैंक वही गेम खेलती है जो वो हमेशा खेलती थी। तो देखो माई को भी अपनी बहन पसंद नहीं और प्रैंक को भी वो पसंद नहीं, तो वो वही बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, जेन्युइनली तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी बहन मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी और तुम भी इतना अच्छा डिज़ाइन कर रही हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे डिज़ाइन को लॉन्च करवाने में और मैं स्पॉन्सर भी करवा दूँगी। और डाउन टोरी जहाँ तक बात तुम्हारी बहन की है, ऐसा वो बोलने वाली थी, माई बोलती है कि अगर तुम मुझसे बात करने आई हो तो सिर्फ मेरे बारे में बात करो, मेरी कोई बहन नहीं है, वो मर चुकी है, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद प्रैंक बोलती कि तब तो और अच्छा है, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी बहन के रिलेटेड कोई भी बात नहीं करनी और तुम्हें भी नहीं करनी, और हम साथ में काम करेंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा वो बोल के उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है। और वो बोलते हैं कि अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगी, बोल के निकल जाती है। और उसके बाद माई तो थोड़ा कन्फ्यूज स्टेट में थी, लेकिन उसके शक्ल से लग रहा था कि शायद वो प्रैंक की बातों पर आने वाली थी। अगले सीन में दिखाया जाता है प्रे को पता चला जो डाय की असिस्टेंट थी उसको प्रैंक के असिस्टेंट ने बहुत सारे गिफ्ट दिया हुआ होता है, प्रैंक ने दिया हुआ है बोल के, और उसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही थी। प्रे इस चीज़ को इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन उसे लग रहा था दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि उसे अपने आंटी के बारे में तो एक एक चीज़ पता है, बेसिकली बोला जाए तो उसके रख रख से वाकिफ थी। तो वो सोच रही थी ऐसा क्या चल रहा है इसके माइंड पे। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ पर प्रे बाहर निकल रही होती है, फिर किसी को कॉल करके बोला था मैं बाहर निकल रहा हूँ। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है प्रे जैसे ऐसे पार्किंग एरिया पे आती है तो वहाँ पर माई आई हुई थी, माई प्रैंक के साथ थी। और फिर एक्चुअल में प्रे और माई को यहाँ पर एक साथ दिखवाना नहीं चाहता था, मतलब प्रे को दिखाना नहीं चाहता था कि माई यहाँ पर काम करने वाली है, लेकिन वो दिखती है इवन उसके आंटी के साथ। और ये देखने के बाद वो तो शौक में आ जाती है, क्योंकि ये चीज़ वो एक्सपेक्ट कर दे रही थी कि अब उसकी आंटी उसकी बहन का इस्तेमाल करके उसे पीछे करवाने वाली है अपने गेम से। प्रे अपनी बहन को देख के बोल लेती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, माई बोलती है कि मुझे तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं कहाँ पर क्या करूँ। और उसके बाद प्रैंक बोलती कि मैं अपने नेफ्यू को हेल्प कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है, तुम नहीं चाहती क्या तुम्हारी बहन यहाँ पर आके काम करे, या फिर तुम बस ये चाहती हो कि तुम ही यहाँ पर काम करो, तुम ही सक्सेसफुल हो, तुम्हारी बहन का भी कोई सपना है ना, उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसकी आंटी हूँ, बोलती है। प्रे समझ गई क्या चल रहा है और वो फी की तरफ देखती है, क्योंकि फी ने तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। इवन प्रैंक ये बोल देती है कि मुझे इंसिस्ट करने वाला, मुझे कन्विंस करने वाला माई के साथ काम करने के लिए फी तो था ना, फी तुमने बताया नहीं प्रे को, ऐसा वो बोलती है। प्रे तो शौक में, क्योंकि उसे पता है उसके आंटी क्या कर रही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रे थी वो अपने आंटी को अंदर ले आती है, और उसके बाद वो बोलती कि ये सब क्या चल रहा है। और तभी आंटी बोलती कि कुछ नहीं, वो उसके साथ काम करना चाहती है और मुझे इतना गलत नहीं लगा, क्योंकि माई का भी एक सपना है, और वो बोल रही थी कि माई का सपना पूरा करने में वो हेल्प करेगी, उसको बहुत बड़ी डिजाइनर बनाएगी। प्रे परेशान, और आंटी बोलती कि अगर तुम नहीं चाहती तो मैं उसे मना कर दूंगी, मैं माई को वापस लेके चल जाऊंगी। प्रे कुछ बोल नहीं पाती। हमें दिखाया जाता है फिर से जो फी था वो माई के पास जाता है और बोलता है कि तुमने तो नहीं बोला था, तुम तो डाउट में थी तुम्हें प्रैंक के साथ काम करना चाहिए या नहीं, और अभी तुम आ गई काम करने के लिए। तभी वो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो मैं खुद ही सरप्राइज हूँ, और प्लीज़ हाँ मेरी बहन के बारे में मुझे कुछ बकना मत, मुझे सुनना नहीं है, बोल के उसकी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। और प्रे बहुत परेशान, उसकी आंटी बोल रही थी कि क्यों कुछ गलत है क्या, मुझे लगा इस बार वो हेल्प करना चाहती है सच में तुम्हारी बहन की, ऐसे भी तुम में और उसमें कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन किसी और के साथ भी वो बदला लेगी क्या, वो गेम खेलेगी क्या। प्रे कुछ बोलती, उससे पहले वहाँ पर प्रैंग आई हुई थी, इसलिए प्रे चुप हो जाती है।